प्यार हर इंसान की जिंदगी में अहमियत रखता है। प्यार शब्द अपने आप में ही बहुत मीठा सा एहसास लिए होता है। ये प्यार चीज ही ऐसी है जिसे मिल जाए उसे जन्नत मिल जाती है, और जिसे ना मिले उसके लिए हर खुशी बेकार हो जाती है। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उससे हर कोई प्यार करे, उसे देखते ही सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाए, जब वो बात करे तो सब उसकी बातों में खो जाए। अगर आप भी ऐसी ही चाहत रखती हैं, तो चलिए हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे तरीके जिससे आप सबका दिल आसानी से जीत सकती हो। कैसे हर इंसान हमें प्यार करे या हमें चाहे, पर इसके लिए हमें कोई बहुत बड़ी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। वी डोंट हैव टू मूव माउंटेन। कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए, कुछ छोटी छोटी क्वालिटीज़ अपने में कल्टिवेट करते हुए और कुछ छोटी छोटी स्किल्स सीख कर हम किसी को भी इस रिश्ते में बांध सकते हैं। हर रिश्ते का आधार विश्वास की नींव पर टिका होता है। आपके अपने, चाहे फैमिली मेंबर्स हो, कोई बिलवड हो या फिर कोई प्यारा सा दोस्त हो, इनके प्रति हमेशा ऑनेस्ट रहें, जरूरत में उनका साथ निभाएं, उनके राजदार रहें, जिससे वो अपनी हर तकलीफ आपसे बेझिझक शेयर कर सके। क्योंकि विश्वास न सिर्फ रिश्तों को मजबूत बनाता है बल्कि आपकी पर्सनालिटी में भी पॉजिटिविटी को एनहांस करता है। वी शुड बी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। अगर हम ऑनेस्ट हैं और ट्रूथफुल हैं तो कोई भी हम पे किसी भी सिचुएशन में भरोसा कर सकता है। अगर हम चीज़ों को उसी तरीके से पेश करते हैं जैसे वो हैं, बिना डिस्टॉर्ट किए, बिना डिलीट किए, बिना जनरलाइज किए, देन पीपल विल लव टू बी अराउंड यू बिकॉज दे कैन ऑलवेज बैंक ऑन यू। दे नो दैट यू विल बी देयर विद योर ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस। आपकी हम्बलनेस किसी का भी दिल आसानी से जीत सकती है। आप जब दूसरों से मीठा बोलते हैं तब उनका मन ताजगी से भर जाता है। लोग आपकी बातें ध्यान से सुनते हैं और इससे आपके संबंधों में भी मिठास घुलती है। इसलिए किसी से भी बात करते वक्त हार्श वर्ड्स का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अपने चेहरे पर खुशी को हमेशा बरकरार रखें। जब किसी के साथ कॉन्वर्सेशन करें, कम्युनिकेट करें, तो कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि कम्युनिकेट करते समय हम अपनी पर्सनालिटी को दिखा रहे हैं। तो जब किसी से बात करें उसे पूरा बोलने का मौका दें, अपने अंदर पूरी वॉर्म्थ रखें उससे बात करते हुए, हम्बलनेस रखें। यू शुड हैव अ स्माइलिंग फेस। दूसरे इंसान को अपनी बात पूरी करने का मौका दें, उसके इंटरेस्ट के बारे में जानें, उसे बोलने का मौका दें, उसे एनकरेज करें अपने आप को जाहिर करने के लिए, उसे अप्रिशिएट करें, फ्रेंडली मैनर में उससे बात करें, और जो भी इंसान आपके पास आ रहा है उसे वेलकम करें। दैट पर्सन शुड बी अट्रैक्टेड टू यू थ्रू योर काइंडनेस, थ्रू योर केयरिंग नेचर, थ्रू योर अफेक्शन, थ्रू योर वार्म्थ, थ्रू योर ह्यूमिलिटी, थ्रू योर एम्पथी एंड थ्रू योर अंडरस्टैंडिंग। जब किसी से बात करें पूरा उस समय इन्वॉल्व रहें इमोशनली उसके साथ। कई लोग खुद को इतना सुपीरियर समझने लगते हैं कि गलती करने पर भी उसे बिल्कुल नहीं मानते, लेकिन किसी के दिल में जगह बनाने के लिए अपनी गलतियों को स्वीकार करना और सॉरी बोलना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपके शब्दों से कोई आहट हो तो अपनी गलती का एहसास जरूर करें, गलती मानने में हिचकिचाहट ना करें। याद रखें, सॉरी बोलने से आप कभी छोटे नहीं होंगे, बल्कि लोग इसको आपका बढ़प्पन ही मानेंगे। आप ऐसा करके तो देखें, यकीनन सब आपके कायल हो जाएंगे। Our attitude should be down to earth, जिससे दूसरा व्यक्ति हमारे साथ कंफर्टेबल महसूस करे। अगर हम में एटीट्यूड होगा या हम ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि हम सुपीरियर हैं और दूसरा व्यक्ति इन्फीरियर है, देन दैट पर्सन डोंट वॉन्ट टू बी विद अस। लव तो दूर की बात है, हेटरेड ऐसी सिचुएशन में स्टार्ट हो जाती है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि आप दूसरे को प्रायोरिटी दें, दूसरे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचें और ज़्यादा ध्यान रखें बजाय अपने बारे में। ये सच है कि आज की बिजी लाइफ की वजह से हम दूसरों के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, लेकिन कुछ समय अपनों के लिए जरूर निकालें। अगर आप उन्हें इम्पोर्टेंस देंगे तो उनकी हर मुश्किल को आप आसान बना सकते हैं। अगर आपके अपने थोड़ा तनाव में हो, थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हो, उनका मूड खराब हो, तो किसी हंसी मजाक की बात से उनको खुशी जरूर दें।
छोटे छोटे सरप्राइज गिफ्ट दे सकते हैं। फिर देखिए आप कैसे सबके दिलों पर राज करते हैं।